हेलो सेकेंड ईयर्स टुडे विल टॉक अबाउट दिस बुक रिपल्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम ठीक है इसमें आपके कुछ लाइक यू नो यू हैव सेवन पोम्स एंड लाइक द फर्स्ट वन इज इसका मैं आपको शेयर करूँगा स्लाइड एंड द फर्स्ट पोम इज़ कॉल्ड अजाम ऑफ लाइफ It's a very beautiful inspirational poem and that's why I thought we should start with this abhi i know you don't have your books but even then what i'll do is i'll share the text isme mai aapko video me text bhi share karunga aur hum sath padhenge azam of life so it's a poem written by henry wadsworth longfellow 1807 to 1882 19th century american poet hain aur ine bahut you know he's an icon of american poetry दिग्गज माने जाते हैं। इनकी कविताओं में यू you नो know, एक बड़ा एक इजी राइम स्कीम दिखेगा आपको और बड़े ही सिंपल सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हैं यूजुअली इन नेचुरल इमेजेस एंड प्लस एक ये जो है क्या इनका एक यू नो ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन हेल्पिंग क्रिएट कल्चर ऑफ अमेरिकन पोइट्री नाइन्टीन सेंचुरी में हाउ डिड यू डू दैट बाई यूजिंग से नेटिव इडियम्स एंड थीम्स जैसे कि इडियम्स क्या है मुहावरे जैसे कुछ चीज़ें होती है कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि बस उसी भाषा में जैसे हिंदी में क्या हो गया Um, सॉ सुनार की एक लुहार की इस तरह की जो चीज़ें होती है तो वैसे ही इन्होंने क्या है अमेरिकन इडियम्स अपने बनाए और यूज़ किए अपने कविताओं में जो नेटिव थीम्स थे जो उनके आसपास जो नेचुरल चीज़ें थी क्योंकि जैसा कि एज़ यू नो लाइक यू नो कॉलोनियल हिस्ट्री अमेरिका भी क्या है वॉज अ कॉलोनी ऑफ वट या द ब्रिटिश एम्पायर राइट और अमेरिका फाइनली रिसीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन क्या है बड़ा है उनका एक रेवोल्यूशन चला था दे वॉज अ वॉर ऑफ़ फ्रीडम और फोर्थ जुलाई 1776 को इंडिया इंडिया आई एम सॉरी अमेरिका बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर तो इसी के चलते यू नो दे वॉज अ लॉर्ड ऑफ इन्फ्लुएंस पहले जैसे कि हमने इंडियन कंटेक्स में भी बात की है तो दे वर्ज अ लॉट ऑफ़ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कल्चर ब्रिटिश लिटरेचर ऑन अमेरिकन कल्चर एंड पोइट्री तो ऐसे में क्या है जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे खासकर जो एक न्यू इंग्लैंड इलाका है अमेरिका में उसमें कई राइटर्स पैदा हुए जैसे जो उस समय काम करते थॉरो, एमरसन हॉथॉन और उनके बीच में एक कविता के जो फील्ड में जो पोइट्री के फील्ड में काम करते थे दैट वॉज़ लॉन्ग एंड सो ऑल दिस पीपल वो सम हाउ यू नो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योंकि एक तरह से जो पहले के ज़माने में आप देखिए अब जैसे आजकल जो काम मीडिया या फिर वीडियोज़ के दौरान होता है तो पहले क्या है लिटरेचर के थ्रू होता था एक जो समाज को एक जो कल्चरल आइडेंटिटी जैसे क्या है हम जैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने हिंदू कल्चर को रामायण महाभारत इन चीज़ों से वैसे ट्राइबल कल्चर्स अलग हैं एंड सिमिलरली हिंदी पोइट्री ये सब कहीं ना कहीं एक भारत का एक आइडेंटिटी बनाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है लिटरेचर एंड आर्ट सो वैसे ही लॉन्ग फेलो वॉज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट फॉर नाइनटीन सेंचुरी अमेरिकन पोइट्री यू नो पोइट्स लाइक हिम वॉल्ट विटमेन लॉन्ग फेलो हो गए इनका एक बड़ा हाथ है कि अमेरिकन साहित्य को रूप देने का ही इज़ अ वेरी यंग एज ही वॉज एन अकेडमिक आल्सो लॉन्ग फेलो एटीन ट्वेंटी नाइन वो बस बाईस साल की उम्र में एक कॉलेज प्रोफेसर बन गए थे चलते चलते हारवर्ड गए यूरोप गए कई किताबें लिखी कविताएँ लिखी एंड फाइनली डाइड इन केम्ब्रिज दैट इज इन इंग्लैंड इन एटीन एटी टू एट द एज ऑफ सेवेंटी फाइव एंड यू नो ही इज रिनाउंड पोइट उनकी कुछ कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया भर में क्योंकि आप ही देख लीजिए हम यहाँ क्या है एक uh, हिमालय के कोने में भरमौर में बैठ के उनकी कविताएँ पढ़ रहे हैं जो कि क्या है कुछ दो सौ साल पहले दुनिया के दूसरे छोर में लिखी गई है सो या विदाउट फर्दर डू देन लेट्स मूव ऑन टू द पोम थोड़ा उससे पहले क्या है लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पोएम अबेट ठीक है थोड़ा इसका थीमेटिक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टाइटल ऑफ द पोम क्या है अजाम ऑफ लाइफ तो जाम क्या है बेसिकली दीज आर जैसे बाइबल के कई पार्ट्स हैं तो उसमें से एक चैप्टर या फिर एक किताब या जो भी एक पार्ट आप कहेंगे दीज आर जाम्स बोलते हैं जैसे प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा पी इज साइलेंट जाम तो so, इसमें क्या है बेसिकली दीज़ आर डिवोशनल सॉन्ग्स एक तरह से आप क्या बोलेंगे धार्मिक गीत टाइप के नो और जैसे कि आपने देखा होगा कई धार्मिक गीतों में एक इस तरह का एक जो आइडिया रहता है कि क्या है ये जो संसार है जो संसारिक जीवन है ये बस एक सप स्वप्न की तरह है यू नो कि धर्म में ज़्यादा आप घुसिए ध्यान लगाइए बाकी जो सांसारिक चीज़ें क्या है एक तरह से छलावा है या फिर ड्रीम है तो ये जो ट्रेडिशनल आइडिया जो आता है जाम्स में उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग फेलो चैलेंजेस सो उन्होंने एक तरह से अपना ही एक धार्मिक गीत उन्होंने एक अपना जाम बनाया है जिसका वो जो ट्रेडिशनल बिब्लिकल जो जामिस्ट है जो लिखने वाला है उसको एक तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज में क्या वो कहते हैं कि ये जो इस तरह का जो उनका जो डिफीट स्ट एटीट्यूड है कि क्या है लाइफ इज़ अ ड्रीम आप बस क्या है Uh, संसारिकपन में नहीं घुसना है तो इन चीज़ों को क्या है वो चैलेंज कर दें कि नहीं ये जो संसार है ये जो दुनिया है नेचर है ये भी बहुत ज़रूरी है और इन्हीं के चलते उन वो जो ट्रेडिशनल पोजीशन को चैलेंज करके अपना एक नया गीत देते हैं हमें और जैसे कि बाक़ी हम कविता में आगे पढ़ते रहेंगे बिब्लिकल जो थीम है उसके अलावा एक दूसरा जो है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ इन एक्शन कि क्या है कर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक यू जो होता है ना जैसे फॉर इंस्टेंस मोनास्टिक लाइफ कि आप संन्यास ले लीजिए और एकदम क्या है पूरा अपना टाइम ध्यान में लगाइए योग्य के एकदम ब्लिस में बैठेंगे वो सब ठीक है बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पीपल लाइक लॉन्ग फेलो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर्म बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में आप क्या कर रहे हैं अपने आसपास अपने लिए अब लोगों के लिए एंड सो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो दुख जो है या फिर सुख है हैप्पीनेस जॉय सौरोज ये सब चलता रहता आता जाता रहता आप कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं ऐसे घड़ियों में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक गीता में भी आपको ये ये जो आइडिया मिलता है कि कर्म करते रहिए फल की इच्छा मत कीजिए सो दैट सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज टॉकिंग अबाउट एंड फाइनली लाइक एक जो बड़ी एक जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें पैसेज है इस कविता में इनफैक्ट दैट इज द सॉर्ट ऑफ कोटेशन यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स एज वेल और जो जो है एक आइडिया है एक जो मेटोफर है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम इन फैक्ट विच रिलेट्स टू द टाइटल ऑफ दिस बुक ऑल्सो यू नो रिपल्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम तो सैंड्स ऑफ टाइम क्या है एक तरह से हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि समय का एक जो चेन uh, चलते रहती है एक क्या है इट्स जैसे अगर आप याद करेंगे फर्स्ट ईयर में हमने ऑजिमैंड वाली कविता पढ़ी थी सो इट्स सॉर्ट ऑफ प्लेज ऑन दैट आइडिया कि क्या है समय चलते रहता है रेगिस्तान की रेत की तरह है यू नो यू कॉन्ट होल्ड ऑन टू इट बट क्या है कुछ कुछ लोग बीच बीच में आते हैं जो कि क्या है कुछ रिपल्स एंड वॉट इज रिपल्स जैसे लहरें जैसे वेन यू थ्रो रॉक इन अ पॉन्ड यानी पानी में अगर आप कुछ फेंकते हैं पत्थर या तो क्या है लहरें तरंगे निकलती हैं सो दैट इज़ अ रिपल तो ऐसे ही इनका मानना है कि ये जो इस तरह के जो राइटर्स बेड़े जो महान लोग होते हैं ऑन द सैंड ऑफ टाइम हिस्ट्री में क्या है कुछ अपनी कुछ देर के लिए अपनी छाप छोड़ देते हैं ही टॉक्स अबाउट फुट प्रिंट्स के ऐसे महान लोग अपने हिस्ट्री में फुटप्रिंट छोड़ते हैं और वो हमारे लिए इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और उनसे हम क्या है वी कैन प्रेरणा ले सकते हैं प्रेरणा स्रोत हैं ठीक है सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी होपफुल पोएम यू नो एक तरह से जो बोलता जाता है कि इट फाइट्स अगेंस्ट दो ट्रेडिशनल आइडियाज़ की यू नो कि, you know, कि भक्ति में बैठिए आप बाहरी दुनिया तो सब फालतू है सो so, लॉन्ग्स वो टिपिकल अमेरिकन स्पिरिट वो बताते हैं कि नहीं कर्म बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में इस संसार में भी ठीक है सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द पोम आई शेयर द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन आप साथ साथ पढ़िए मेरे पहले हम क्या है एक बार पूरी ये कविता पढ़ लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ओके सो या अजाम ऑफ लाइफ What the heart of the young man said to the Psalmist. So please focus on how I pronounce each word, Dhyansi sunyega. Tell me not in mournful numbers, Life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act, act in the living present. Heart within and God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing o'er life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. So yeah, short and sweet poem. And now like, you know, we'll first of all, as you can see, rhyme scheme, you see, a very simple rhyme scheme, discuss like we discussed ABAB, a, B, numbers, dreams, slumbers, seem, earnest, gold, return is sold, right? So yeah, now let's get down to the poem. तो जैसा कि हमने बात की है जो कवि है जो पोइट है जो नरेटर है वो क्या है एक जो ट्रेडिशनल जामिस्ट जो बाइबल के तरह के जो गीत गाते तो थे उनको उनको एड्रेस कर रहा है उनको एक तरह से चैलेंज कर रहा है सो ही स्टॉक इंड सो इट्स लाइक टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स मोनफुल सैड जो तुम्हारे जो सैड जो गीत हैं वो सब मुझे मत बताओ कि क्या है लाइफ इज़ बट एन एम ड्रीम जो गीत बोलते हैं कि जीवन क्या है इज जस्ट एन एम ड्रीम एक छलावा है एक धो एक स्वप्न की तरह है क्यों क्योंकि फॉर द सोल इज़ डेड दैट लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट वॉर दे सीम क्योंकि जो आत्मा क्या है जो मरी है वो सो जाए जो सो रही सोती हुई आत्मा क्या है इज डेड मृत है एंड थिंग्स आर नॉट वॉर दे सीम और चीज़ें क्या है जो अक्सर जो जैसी लगती है वैसी होती नहीं है लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन क्या है एक सच है सत्य है एक सिंसरिटी है उसमें इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल और उसका उद्देश्य क्या है सिंपली मरना नहीं है जैसे कि कई जो क्या है मॉडर्न फिलोसफर्स बेरे जो सिनिकल एनाइलिज्म में घुसते हैं तो उनका क्या है कि हम पैदा हुए हैं किस लिए मरने के लिए तो ऐसे ही बाइबल में भी एक आइडिया था जो जेनेसिस जो बाइबल की पहली किताब है डस्ट दर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट कि क्या है तुम धूल हो और वापस धूल में मिट जाओ मिल जाओगे मरने पे तो इसमें क्या ये कहते हैं लॉन्ग फेलो एक तरह से एक बड़ा ही एटलीस्ट वेस्टर्न थॉट में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल जो कि बाइबल में कि द सोल इज़ इटर्नल इट्स लिविंग यू नो जो आत्मा है क्या है शरीर तो ठीक है धूल का है जीवित होगा और मरने के बाद वापस धूल में मिल जाएगा चाहे आप उसको दफनाएं या जलाएं या जो भी करें बट आत्मा क्या है आत्मा के बारे में तो ये लाइन नहीं लिखी गई आत्मा तो अमर है जो भी है इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सौरो इज़ आर डेस्टिन वे इन्जॉयमेंट या फिर सौरव दुख और जो इंजॉयमेंट है ये सब क्या है ये हमारा गोल नहीं है और ना ही रास्ता है बट टू एक्ट दैट ईच टू मोरो फाइंड फारदर देन टूडे लेकिन क्या है हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में हमें एक्ट करना है कैसे कि हर एक जो कल आ रहा है दैट ईच टुमारो फाइंड इज फार्दर देन टुडे जो जो भी कल आने वाला है वो क्या है हमें हम अपने आप को जहाँ पर आज अगर इधर हैं तो हम अपने आप को कल थोड़ा और आगे पाएँ प्रोग्रेस करें कर्म के थ्रू आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग आर्ट नॉट नेसेसरली आर्ट लिटरेचर ये सब पेंटिंग वगैरह बट ऑल्सो जस्ट द आर्ट ऑफ लाइफ जैसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते जीने का तरीका क्या है सीखने में बहुत समय लगता है बट टाइम इज़ फ्लीटिंग लेकिन ये जो क्या है आपको जो ह्यूमन बर्थ मिला है इस फ्लीटिंग समय चलता जा रहा है एंड आ हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव और जो हमारे जो दिल है जहाँ पे जो धड़कता है जो जीवन है जीवन का स्रोत है क्या है स्टाउट है स्ट्रॉन्ग है ब्रेव है करेजस है बट फिर भी स्टिल लाइक मफुल ड्रीम्स मफल्ड सॉरी मफल्ड ड्रम्स ड्रम जो क्या है ढोल या जो भी पर्कुशन इंस्ट्रूमेंट मफल्ड यानी जैसे कभी होता है अगर ढोल आप बजा रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ है मफल्ड क्या उस पर आपने कपड़ा बिछा दिया तो उसकी आवाज़ कम आती है तो दिल के बारे में क्या बोल रहे हैं ऐसे ड्रम की तरह हमेशा आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चज टू द ग्रेव कि चाहे आप जितना भी क्या है जीवन में प्रयास करते लेकिन फिर भी जो है क्या है एक तरह से हम जो दिल है जो हार्ट बीट है कहीं ना कहीं ग्रेव की तरफ कब्र की तरफ ही जा रही है फ्यूनरल मार्चेस इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल तो ये जो दुनिया का जो क्या है बैटल फील्ड है जो संघर्ष का जो दुनिया में जो संघर्ष है इन द विवैक ऑफ लाइफ विवैक क्या है जैसे कि जो वॉर टाइम में बैटल फील्ड में क्या है जो सोल्जर्स एक अपना एक टेम्प्री कैम्प बना लेते हैं उसे विवैक बोलते हैं तो लॉन्ग फेलो जो कवि है कि क्या बोल रहे हैं कि जीवन एक अगर एक संघर्ष है तो क्या है तो एक सिंपली तो एक, तो एक, एक आपका जो ये जो शरीर का ये जो एक पर्टिकुलर लाइफ है वो आपको कहीं ना कहीं क्या है एक सिंपल एक टेम्प्री कैंप है अगेन दिस इज़ एन आइडिया दैट यू विल फाइंड इन ईस्टर्न फिलोसफी ऑल्सो हिंदू फिलोसफी में भी गीता में कि क्या है कि आत्मा अमर है और क्या है बाक़ी शरीर ये सब एक रथ की तरह है समय आने पे क्या है टूट जाएगा बिखर जाएगा लेकिन आत्मा चलती रहेगी इस तरह के ये जो आइडियाज़ हैं सो लॉन्ग फेलो इनको जोड़ रहे हैं जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न पिब्लिकल आइडियाज से ठीक है तो बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल तो जीवन के संघर्ष में क्या है डम ड्रिवन कैटल कैटल क्या हुआ गायबैंस ये जो जानवर होते हैं पालतू जानवर डम ड्रिवन वो क्या है डम होता है वो कुछ बोल नहीं सकते ड्रिवन उन्हें चलाया जाता है इधर से उधर आप ले जाओ जैसे भेडू ले जाते हैं सो so, जीवन में क्या कह रहे हैं जीवन के संघर्ष में ऐसे मूख जानवर जैसे मत रही है बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ इस संघर्ष में एक हीरो बनिए अपना कर्म कीजिए और क्या है आगे बढ़िए Trust no future, however pleasant, let the dead past bury its dead. Trust no future. फ्यूचर कोई भी जो आपके जो क्या है फ्यूचर के बारे में जितने भी हाउ एवर प्लेजेंट चाहे कितने ही सुहावने जो क्या है आपको सपने या उम्मीदें जग रही हैं उसमें ज़्यादा भरोसा मत रखिए कभी कुछ भी हो सकता है जैसे आपने देख लिया कोरोना पूरी दुनिया में आजकल हम लोगों ने सब ने क्या क्या प्लान इंडिविजुअल से लेकर व्यक्ति से लेकर सरकारों ने बहुत प्लान बनाए थे लेकिन हुआ क्या सोया लेट द डेड पास्ट बड़ी इट्स डेड और जो क्या है जो पास्ट है जो बीत गया है वो उसको क्या है और जो मर चुके हैं उनको क्या है अपनी ही कब्रे खोदने दीजिए एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट जो कि एक बहुत अगेन इट्स एन आइडिया दैट इज जितने भी जो ट्रेडिशनल मिस्टिकल रिलीजन्स वगैरह ये जो एक स्पिरिचुअल आइडिया है एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट क्या है भूत जो बीत गया है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आने वाला है उसके बारे में भी ज़्यादा सोचना व्यर्थ है एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट ये जो अभी है वर्तमान है यही आपके हाथ में है और इसमें एक्ट कीजिए कुछ कर्म कीजिए हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर अपने दिल से कर्म कीजिए अंदर से और ऊपर क्या है गॉड यानी एक तरह से ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है महिमा है एंड देन नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टैंडा ये आप जरूर याद कीजिए हो सके तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू कोट दिस लाइन लाइव ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स वी कैन मेक अ लाइव सब लाइन ये जो महान लोग होते हैं किसी भी फील्ड के आर्ट लिटरेचर पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स वॉट एवर यू नो इंस्पायरिंग पीपल हीरोज जो लोग अपने कर्म पे काम करते हैं वर्तमान पे काम करते हैं और अपने साथ साथ दुनिया को भी बदलने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से कर्म से सो so, क्या है लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स तो ऐसे लोगों की जो जीवनी है जो जीवन है वो हमें क्या याद दिलाता है कि हम भी क्या है इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन को नोबल सब्लाइम बनाए सुंदर बनाए वर्थवाइल बनाए आई एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड दिस फुट प्रिंट्स ऑन द सन्स ऑफ टाइम ऐसे महान लोग क्या है जब डिपार्ट करते हैं चले जाते हैं इस दुनिया से वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम जो हमने एक जो बड़ी पावरफुल इमेज है जिस जिससे पहले बात की थी और इन्हीं फुटप्रिंट्स को क्या है फिर फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सॉलम मेन यही जो फुटप्रिंट्स को क्या है जो उनकी जो निशानियाँ हैं चाहे वो लिखे हुए शब्द हों या फिर उनके जो किए हुए कर्म हो या बनाई गई चीज़ें हो इन्वेंशनस हो ये सब क्या है इनको देखकर जो कोई और अगर जो इंसान है सेलिंग ओवर लाइफ सॉलम मेन जो जीवन के क्या है जो सीरियस जो जर्नी है जो समुद्र है उसमें से गुजरते हुए अगेन लाइक यू नो वेरी पोइटिक इमेज लाइफ इज सीन लाइक अ वॉइज थ्रू अनोन ओशन तो उसमें क्या है ऐसा कोई इंसान है जो फॉरलॉन एंड शिप रैक्ट जिसकी क्या है शिप रैक्ट जिसकी जहाज या कश्ती टूट चुकी है और वो अकेला ऐसे समुद्र में जीवन के समुद्र में संघर्ष कर रहा हो वो क्या है इन फुटप्रिंट्स को देख कर सीन शैल टेक हार्ट अगैन वापस क्या है अपने आप को दिलासा दे सकता है इंस्पायर हो सकता है एंड देन द फाइनल स्टैंड लेट अस देन बी अप आर डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट तो अगेन गीता वाला आइडिया तो so, क्या है लेट अस देन बी अप पेन डूइंग तो हम क्या है लेट अस बी एक्टिव और कर्म करते हैं लेट अस बी डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट और हमारा दिल क्या है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी फेट कोई भी आउटकम कोई भी किस्मत हमारी जहाँ रास्ता ले जाए कुछ भी आउटकम आए फ्यूचर में उसके लिए हम तैयार रहें जैसे कि क्या है कर्म करते जाइए और क्या फल की मत कीजिए स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट और इस जीवन के संघर्ष में क्या है कुछ ना कुछ अचीव करते रहिए आगे बढ़ते रहिए परस्यू करते रहिए चीज़ें चेज कीजिए उन्हें एंड लर्न टू लेबर एंड टू वेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्न टू लेबर मेहनत करना सीखिए और क्या टू वेट पेशेंस क्या क्या है ये कर्म की बात करते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट की बात करते हैं मेहनत की बात करते हैं और पेशेंस की बात करते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस पोम एंड यू नो उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग फेलो के अभी फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम देखकर आप थोड़े इंस्पायर हुए हों से सिंपल पोएम अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन डायरेक्ट देम हेयर इन द कमेंट्स और क्या है या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे फ़ोन कर सकते हैं बाकी जैसे कि नाव वील लुक इन टू द क्वेश्चन जैसे यू नो रेफरेंस टू कंटेक्सट आपको पता है क्या करना होता है फर्स्ट आप क्या है कविता का नाम बताएंगे राइटर का नाम बताएंगे फिर कविता के बारे में आप थोड़ा एक समरी देंगे एंड देन जो भी कोटेड स्टैंड है उसके बारे में आप उसका वर्णन करेंगे डिस्क्रिप्शन देंगे वैसे और भी क्वेश्चन हैं जस्ट टेक अ लुक एट दैम एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन